नमस्कार, आप देख रहे हैं NBT ऑनलाइन और मैं हूं राहिल सैयद आपके साथ। जब खिलाड़ी रनों का अंबार लगाता है तो उसे उम्मीद होती है कि उसे नेशनल टीम में सिलेक्ट किया जाएगा, उसे सराहा जाएगा। सिलेक्टर्स उन्हें पलकों पर बिठाकर रखेंगे और उन्हें टीम में परमानेंट जगह मिल जाएगी, उसे सम्मान दिया जाएगा जिसका वह असली हकदार है। हालांकि ऐसा 22 साल के युवा भारतीय बल्लेबाज साई सुदर्शन के केस में नहीं है। उन्हें रनों का अंबार खड़ा करने के बाद भी उस तरह का सम्मान नहीं मिला जिसके वह हकदार थे। जबरदस्त प्रदर्शन करने के बावजूद उन्हें टीम से अचानक ऐसे ड्रॉप कर दिया गया कि उनकी अब कोई बात तक नहीं करता। अक्सर टीमें अपने खिलाड़ियों का डेब्यू घरेलू सीरीज में या ऐसी टीमों के खिलाफ करवाती हैं जो उनसे कमजोर हो, लेकिन साई सुदर्शन ने भारत के लिए डेब्यू सीधा साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका में किया। अफ्रीका भारतीय टीम को हर फॉर्मेट में अच्छी टक्कर देती है। साई को वनडे में डेब्यू करने का मौका मिला। उन्हें इस 3 मैचों की सीरीज में हर एक मुकाबला खिलाया गया। सुदर्शन ने हालांकि अपनी बल्लेबाजी से सबको प्रभावित भी किया। साई सुदर्शन ने इन 3 मैचों में 63.5 की औसत से बल्लेबाजी करते हुए 127 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 250 भी देखने को मिली। सुदर्शन ने कुल 17 चौके और एक छक्का इस सीरीज में लगाया। साउथ अफ्रीका में जाकर ऐसा परफॉर्म करने के बाद लग रहा था कि उन्हें अब आगे भी वनडे मुकाबलों में टीम इंडिया मौका देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अफ्रीका सीरीज के 8 महीने बाद जब भारत श्रीलंका का दौरा करता है और यहाँ पर 3 मैच की वनडे सीरीज खेलता है तो उस वनडे स्क्वाड में साई सुदर्शन का नाम ही नहीं होता। ऐसा देख कहीं ना कहीं खिलाड़ी को भी निराशा हाथ लगी होगी। इतना अच्छा खेलने के बाद आपको उम्मीद होती है कि आपको सिलेक्ट किया जाएगा, सिलेक्टर्स आपको मौका देंगे, लेकिन साई सुदर्शन के साथ ऐसा नहीं हुआ। साई सुदर्शन को खून पसीना एक कर भारत की जर्सी पहनने का मौका मिला है। उन्होंने टीम इंडिया में आने से पहले घरेलू टूर्नामेंट और IPL में खुद को साबित किया। साई ने 2022 में IPL में डेब्यू किया था। उन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए तब से अब तक 25 मैचों में 139 के शानदार स्ट्राइक रेट से 1034 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 1 शतक और 650 भी IPL में देखने को मिली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। स्पोर्ट्स और क्रिकेट की तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहिए NBT स्पोर्ट्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।